हरियाणा की एक राणी सी जिहड़ी कि धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की बहुत वड्डी मुरीद सी। इन्नी वड्डी मुरीद कि वह रोज़ प्रतीक्षा करती सी कि कद गुरु साहब आके उन्हें दर्शन देंगे। तो एक दिन गुरु साहब ने उसकी सुनी तो दर्शन देने लई उहदे किले विच जद आए तो उहदे सिपाहियां ने गुरु साहब नूं अंदर जाण तो मना करता कि तुसीं जानना चाहोगे कि वह किहड़ा किला सी, वह किहड़ी राणी सी, तो किहड़ा शहर सी। संगत जी, अपने दास टर्बन ट्रैवलर की फतेह की सांझ कबूल करनी जी, एक नवे दिन की शुरुआत नाल, एक नवे स्थान, नवे गुरुद्वारे ते नवे इतिहास के नाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला आप सारिया संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ा कि इन्ना प्यार नाल साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर ते नाल ही PTC सिमरन ते वेखते हैगे हो। आप जी दे प्यार दा पता सानू लगता है जिस वक्त आप जी सानू ये सारे कमेंट्स भेजते हैं। आज दिन की शुरुआत असी करन लगे है आप जी नूं ऐसे स्थान के उत्ते ले जाण वास्ते जिहड़ा कि गुरद्वारा श्री कपाल मोचन साहब तो 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उत्थे एक नहीं दो गुरद्वारा साहब सुशोभित ने। दोनों गुरद्वारा साहब का एक इतिहास है जिहड़ा कि आपस में एक दूसरे के नाल जुड़िया हुआ हैगा। पहला गुरद्वारा साहब जिहड़ा हैगा वह हैगा किला रायपुर राणी, तो दूसरे गुरद्वारा साहब जी का नाँ है पातशाही दसवीं मानक टबरा। तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी के उत्ते स्थान हैगे जिहड़े कि अज आप जी नूं असीं लैके चलांगे। आओ चलो यात्रा का हिस्सा बनो, इतिहास जाणो ते खुशियां माणो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया वे, तेरी माज चो वे, तेरी फाज चो। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, तेरी माज चो वे, तेरी फाज चो। बाबा मिलनो दलेरिया, वावा रमजा, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया, वावा रमजा तेरिया वे बाबा, वावा रमजा तेरिया। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਐਸਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਦਾ ਓ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ। ਦਾਤਾ ਮਿਲਣ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਵਾਵਾ ਰਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਮੌਤ ਮੂਰੇ ਅੜ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਛੂ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਵਾਹ।
संगत जी हुण असी आ पुजे हैगे आ गुरद्वारा पातशाही दसवीं श्री मानक टबरा साहिब जी जिहड़ा कि रायपुर राणी दे 5 किलोमीटर की दूरी के उत्ते शोभायमान है। जिस तरह आप जी ने असी दस्या सी इस स्थान के उत्ते 2 गुरद्वारा साहब ने, एक गुरद्वारा साहब किला रायपुर राणी ते दूसरा गुरद्वारा श्री मानक टबरा जिथे असी इस वक्त खलोते हैगे आ। दोनों का इतिहास आपस में एक दूजे नाल जुड़िया हुआ हैगा ते ऐसी स्थान के उत्ते बैठ के ही आप जी ने असी दोनों गुरद्वारा साहब जी का इतिहास सरवण करावांगे, क्योंकि गुरद्वारा किला रायपुर राणी का जिहड़ा स्थान है वह बहुत ही भीड़ी गलियां विच है जिथे गड्डी ले जाना बहुत मुश्किल है। तो उत्थे गुरद्वारा साहब का भी बहुत छोटा कमरा है, एक छोटे जे कमरे के अंदर गुरद्वारा साहब गुरु साहब का स्वरूप शोभायमान है। असी सारे दर्शन आप जी को जरूर करावांगे, लेकिन इतिहास आप जी को ऐसी स्थान तो बैठ के दस रहे हैं। आओ दसने है इस स्थान के बारे में। दिल्ली तो यह स्थान तकरीबन 235 किलोमीटर की दूरी पर है। आनंदपुर साहब इतों 115 किलोमीटर दूर है। तो जे आप हवाई मार्ग के द्वारा आना चाहो तो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट हैगा इतों 40 किलोमीटर दूर। तो चंडी मंदिर का जोड़ा रेलवे स्टेशन है वह हैगा तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, जोड़ा कि आप ट्रेन द्वारा आते हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। बसा मानक टबरा आदियां ने तकरीबन इतों 0.5 किलोमीटर दूरी पर हैगा बस स्टैंड जिते तुम पुज सकते हैं। इस स्थान के उत्ते रहने वास्ते कमरे है, तकरीबन 10 कमरे स्थान के उत्ते ने, संगत इतने आ के रह सकदियां ने। तो गुरु का ट्रूट लंगर इतने 24 घंटे वरतींदा है, ऐसा सानू इतने के प्रबंधकों ने दसिया। यह एकड़ा में फैलिया हुआ गुरद्वारा बहुत सोहना गुरद्वारा बनया हुआ है। मेरे पिछे आप देख सकते हैं एक चिट्टे रंग की गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग जिहड़ी धुप्प चमक रही हैगी। आओ अंदर चलने हैं, आप जी ने उत्थे दे दर्शन कराने है, उसके बाद आप जी ने बैठ के इतने का संपूर्ण इतिहास दसांगे। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ियो और दूजा कौन त्याइए, ऐसो राज छोड़ियो और दूजा कौन त्याइए। राजन के राजा महाराजन के महाराजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ियो और दूजा कौन त्याइए, ऐसो राज छोड़ियो और दूजा कौन त्याइए। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, कहूँ ते ना डरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, कहूँ ते ना डरे। गरीब निवाज गोसैया मेरा, गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे शतर तरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, कहूँ ते ना डरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, कहूँ ते ना डरे।
कहो कबीर भज सारंग पानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, गुरवार पार सब एको दानी, गुरवार पार सब एको दानी। दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े। संगत जी आओ सरवन करो रायपुर रानी ते मानक टिबरा दा इतिहास, जिथे दो गुरुद्वारा साहब शोभाए मान ने। रायपुर रानी ओ स्थान जिदा पुरातन नाम होया करदा सीगा राव का माजरा। राजा राव दी ए रियासत होया करदी सीगी ते राजा राव दे देहांत तो बाद उदी राणी इस स्थान दे उते राज करदी सी। राणी दी उम्र तकरीबन 40 वरे सीगी, जेड़ी कि एक बहुत सोहनी गंभीर विचारवान ते बुद्धिमान स्त्री सी, ऐसा इतिहासकार दसदे ने। रायपुर दी यह राणी गुरु घर नाल बहुत ही जुड़ी हुई सीगी ते हमेशा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ध्यान विच मगन रहिंदी सी। वो हमेशा यह प्रार्थना करती सी कि वो किहड़ा दिन होएगा जिस दिन सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आके उदे किले विच उनू दर्शन देंगे। दयावान मेहरवान सच्चे पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, उन्होंने राणी दी बेनती आखिरकार सुन ही ली। तो जिस वक्त वो पौंटा साहब तो आनंदपुर साहब चले पा रहे सन ते नहान टोका साहब ते सढोरे तो होंदे वे एक दिन वो स्थान दे उते पुजदे ने। रात का समय होंदा हैगा, राणी दे किले दे पहरेदार गुरु साहब नू अंदर नहीं आन देंदे क्योंकि गुरु साहब दे नाल 2200 घुड़सवारां दी फौज भी होंदी है। कुछ इतिहासकारां दा मनना हैगा कि किले दे पहरेदार गुरु साहब दी फौजां नू देख के डर गए सीगे ते इस करके उन्होंने गुरु साहब जी नू किले दे अंदर आन नहीं दिता। गुरु साहब थोड़ा समय उत्थे रुके, अगे दी वल चाले पा जांदे ने ते उस स्थान दे उत्ते आ के पुजदे ने जिदे आप जी ने दर्शन किते, यानी कि गुरुद्वारा श्री मानक टबरा साहब। मानक टबरा साहब वो स्थान सी जिथे गुरु साहब आके अपना डेरा लांदे ने एक अंब दे दरखत दे तले ते अगला दिन चढ़दा है। अगले सवेरे जिस वक्त राणी नूं यह पता लगता हैगा कि उन्हां दे गुरु उन्हां दे मुरशद धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप स्वयं चल के राणी नूं मिलन वास्ते उहदे किले ते आए सी ते उन्हां दे चौकीदारां दी वजह नाल वो अंदर ना आ सके ते उन्हूं बड़ा ही दुख होंदा हैगा ते वो अपने सखियां नाल गुरु साहब वास्ते लंगर तैयार करदी है ते वो लै के इस स्थान दे उत्ते पुजदी है जिथे बैठ के साहब जी नूं इस स्थान दा इतिहास दस रहे हैगे आ। राणी जद गुरु साहब नूं मिलदी है ते उन्हां दे पैरां विच डिग अपने सैनिकां दी गलती दी माफ़ी मंगदी है। गुरु साहब राणी दे द्वारा लियाया हुआ लंगर प्रवान करदे ने, उपरांत राणी गुरु साहब जी नूं बेनती करदी हैगी कि आप अपने चरण साडे किले विच आ के पाओ ते मैं बहुत ही शर्मिंदा हाँ। राणी दी बेनती नूं मन धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अगले दिन मानक टिबरा तो अपने 2200 घुड़सवारा समेत उहदे किले विच पुजदे हन, ऐसा इतिहासकार दसदे ने। गुरु साहब द्वारा उत्थे पुजण ते राणी द्वारा गुरु साहब जी दी बहुत सेवा खातिर ते इज्जत मान कीता जांदा है। राणी ने अपने दरबार दी सजावट खुद कीती सी, ऐसा इतिहासकार दसदे ने। राणी दी श्रद्धा ते भावना नूं वेख के गुरु साहब जी ने रागी सिंघां नूं किले दे विच दीवान आरंभ करन वास्ते आख्या। गुरु साहब इस स्थान दे उत्ते कुछ दिन रुके ते रोज़ाना किले विच दीवान सजाए जांदे सीगे ते संगत नूं नाम ते बाणी नाल जोड़िया जांदा सीगा। राणी दी सेवा तो प्रसन्न हो के जाण वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने राणी नूं एक तलवार ते एक टाल बख्शीश स्वरूप दित्ती, जिन्हों राणी ने दोनों हाथ जोड़ के ते सिर चुका के स्वीकार किया। कुछ समय रुकण तो बाद धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी अपने लश्कर नाल आनंदपुर साहब जी दे वल प्रस्थान कर जाते हैं, ऐसा इतिहासकार दसते हैं। रायपुर दी राणी दा वो पुरातन किला अज भी इत्थे पुरानी ते जर्जर अवस्था विच खलोता है ते इतिहास दी गवाही दे रहा है। नानक टिबरा तो 5 किलोमीटर दूर पीड़ी गलियां दे विचों होंदे हुए इस स्थान ते पुज्या जा सकता है।
किले की छोटी इटा वाली पुरानी दीवार दूर तो ही नज़र आनी शुरू हो जाती है, जिन्हों आप जी देख रहे है। किले के अंदर एक बहुत ही छोटा जहा कमरा है जिदे विच जागत जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन स्वरूप विराजमान है, जिदी रोज़ सवेरे ते शामी सेवा की जाती है। रायपुर राणी का यह किला राणी की अपनी निजी जायदाद सी, ते उदी 28वीं पीढ़ी अज भी मौजूद है, जिदे बारे विच लोग दसदे ने कि वो चंडीगढ़ विच रहिंदे ने। दोनों गुरद्वारा साहब जी का इतिहास सरवण कराने तो उपरांत आओ हुण आप जी नूं असी लै के चलने हैगे आ गुरद्वारा किला रायपुर राणी ते कराने आ उत्थे दे वी दर्शन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई बोले राम राम कोई खुदा, कोई बोले राम राम कोई खुदा, कोई सेवे गोसैया कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम कोई खुदा। कारण करण करीम कृपा तार रहीम, कारण करण करीम कृपा तार रहीम। कोई नावे तीरथ कोई हज जावे, कोई करे पूजा कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई बोले राम राम। गुरुद्वारा मानक टिबरा साहिब तो तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर तय करके हुण असीं आ पुज्जे हैगे आ गुरुद्वारा किला रायपुर राणी दे विच। ते ऐ पिंड हैगा रायपुर राणी दा, पिंड दी पीढ़ी पीढ़ी गलियां विचों होंदे हुए असी हुण पुज्जण लगे हैगे आ गुरद्वारा श्री रायपुर राणी, जिन्हों किला रायपुर राणी के नाते भी जाने जाता है। उस स्थान जिते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण पे, यह किला इस वक्त रायपुर राणी के पिंड के ठीक विच विचकार है, जिदे आप जी असी दर्शन करावे। किले की छोटी इटा की दीवार आप जी मेरे खब्बे साइड से नज़र आ ही रही हैगी, थोड़ी थोड़ी दूर के उत्ते यह किले की दीवार आप जी नज़र आदि ने, क्योंकि यह सारा पिंड ही किसी वक्त किला होया करता सीगा। सज्जे हत्ते आप जी किले का बुरश नज़र आ रहा हैगा, ते नाल छोटी इटा नाल बनी हुई वो दीवार जिदे आप जी दर्शन कर रहे हैगे। सुरबीर वचन के बली, सुरबीर वचन के बली, कौला बपुरी संति चली, कौला बपुरी संति चली। हुण असी आप पुजे है किले की दीवार के कोल, जिहड़ा गेट ना आप जी नज़र आ रहा है नीले रंग का, यह वो गेट हैगा। अंदर चले हैं, अंदर जाके आप जी दर्शन कराने। ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन के संग साधु का, टहल संतन के संग साधु का, हर नामा जप परम गते, ऐसी मांग गोबिंद ते, ऐसी मांग गो। किले दे मेन नीले दरवाजे तो जिस वक्त आप जी अंदर जाते हैं तो सामने आप जी नू एक पुराना पुरातन बरगद का वृक्ष नज़र आता है, जिदे थले एक छोटा गुरुद्वारा साहब बनया हुआ है। आओ आप जी नू दर्शन कराने। गोबिंद ते, ऐसी मांग गोबिंद ते।
ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ 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 ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਰਖਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਗਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਨੀਮ ਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ 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 ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮਾਤ ਗਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਮਾਨਕ ਟੱਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਸੀ ਵਕਤ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਆਫ ਦਾ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ, ਯਾਤਰਾ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦਾ ਟਰਬਨ ਟਰੈਵਲਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ PTC ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯਾਚਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਐਸਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।